हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारी बात चल रही है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कार्ल पियर्सन का कंप्लीट हो गया कि कार्ल पियर्सन के द्वारा जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज्ञात करते हैं वो इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस सीरीज में किस तरह ज्ञात किया जाता है। अब आती है बात अपने स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन, जिसको रैंक कोरिलेशन बाय स्पीयरमैन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमांतर सहसंबंध गुणांक, क्रमांतर सहसंबंध गुणांक। देखिए सहसंबंध गुणांक के बारे में एक तो कार्ल पियर्सन, जिसको कि हम पढ़ चुके हैं कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आता है स्पीयरमैन को रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन है, स्पीयरमैन का जो कोरिलेशन है वो रैंक्स पर डिपेंड करता है, उनको हम क्रम देते हैं, क्रम के आधार पर आगे कार्यवाही होती है, इसलिए उसका नाम है रैंक कोरिलेशन। और उसका साइन जो है, जैसे कार्ल पियर्सन का रैंक वो सहसंबंध गुणांक का साइन ये था, उसके आगे अगर अपन ये कैपिटल में आर और लिख देते हैं इट मींस द रैंक कोरिलेशन हो गया। अब ये जो मान आएगा वो है रैंक कोरिलेशन। और रैंक कोरिलेशन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n cube minus n. This is the formula to calculate the coefficient of correlation of Spearman. अगर प्रश्न में आपको स्पष्ट कह दिया जाए कि Spearman का rank correlation ज्ञात करना है तो हमें rank correlation ही Spearman का इसी सूत्र से ज्ञात करना होगा। प्रश्न में अगर कुछ नहीं कहा जाता है तो आप कार्ल पियर्सन का रैंक कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकाल सकते हैं। तो इसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी डी स्क्वायर, पहले तो डी का मीनिंग क्या है, डी का मीनिंग है डिफरेंस बिटवीन आर वन एंड आर टू, डिफरेंस बिटवीन आर वन आर टू। आर वन आर टू क्या होता है, एक सीरीज में जब हम रैंक लेंगे उसको रैंक दे देंगे वो आर वन होंगे, दूसरे के आर टू होंगे, तो डिफरेंस बिटवीन रैंक्स अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रैंक्स, जो रैंक्स दी है उनका डिफरेंस लेना है। और फिर डी स्क्वायर का मतलब तो आप जानते ही हैं कि डी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाइड बाई डी, डी स्क्वायर हो जाएगा। एन का मतलब आप सभी जानते हैं नंबर ऑफ आइटम्स इन इंडिविजुअल सीरीज, नंबर ऑफ आइटम इन डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस सीरीज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब वो एक ही बात है बोलने में आता है कि टोटल एफ जो होता है वो एन होता है इन डिस्क्रीट सीरीज एंड इन कंटीन्यूअस सीरीज। इन इंडिविजुअल सीरीज ओनली एन मींस नंबर ऑफ आइटम्स, 1, 2, 3, 4 जितने आइटम्स के बारे में बात हो रही है उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो आता है ये। और इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लेंगे वो होगा रैंक कोरिलेशन। अब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं हम छोटा सा, जिसमें हम रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लीजिए आपके एक्स और वाई, एक ये एक्स है और यहाँ पर है ये एक्स और ये पर है ये वाई, इसके एक्स दिया हुआ है वो है 10, 12, 18, 20 और 25 मान लीजिए, और यहां पर लिखा हुआ है 200 175 150 150 मान लीजिए। ये दो सीरीज दे रखी है, इंडिविजुअल सीरीज है, एक एक्स और एक वाई है, इसमें अगर आपको रैंक कोरिलेशन ज्ञात करना है तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पर सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे एक्स जो दिया हुआ है 10 12 18 20 25, यहाँ पर ले देंगे आर वन, रैंक दे देंगे इनको
द हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है ये, इसको नंबर एक दे दें, उससे कम जो है वो है 20, उसको दो दे दें, उससे कम है तो उसको तीन दे दें, उससे कम है 12 तो उसको चार दे दें, उससे कम है 10 तो एक दे दें। अच्छा ये है, सॉरी इसको 5 दे दें, वो तो चांस की बात है, इसमें 25 के बाद 20, 20 के बाद 18, 18 के बाद 12, 12 के बाद 10, ये लगातार ही आए हैं, इसलिए ये ऐसा हो गया। जरूरी नहीं है ये 18 अगर यहाँ होता तो ये 2 यहाँ चला जाता, 3 यहाँ जाता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आता है रैंक, अब देंगे वाई, वाई इक्वल टू 200, 175, 150, 100 एंड 50। सबसे ज़्यादा क्या है, अब इसमें देंगे रैंक, उनको बोलेंगे अपन रैंक टू, वो है नंबर 1, फिर इससे कम है ये 2, इससे कम है ये 3, इससे कम है ये 4, इससे कम है ये 5। ये क्वेश्चन बाई चांस ऐसा हो गया है कि इसमें 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ये उल्टा आ रहा है एकदम जस्ट अपोजिट। इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए अगर ये क्वेश्चन आता है, मैंने ये कहा है कि ये 150 अगर यहाँ होता तो 3 नंबर यहाँ होता, 100 यहाँ होता, 4 नंबर यहाँ होता, ऐसे को करने पड़े, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में ये आया है रैंक। अब आप डिफरेंस ले लेंगे और डिफरेंस का स्क्वायर कर लेंगे। डिफरेंस लीजिए किसमें, डिफरेंस का मीनिंग है डिफरेंस इज इक्वल टू R1 - R2, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। तो 5 यहाँ आएंगे 4, यहाँ आएंगे 2, यहाँ आएंगे 0, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -4, लेकिन प्लस माइनस का यहाँ इफेक्ट नहीं आएगा फॉर्मूले में, बिकॉज इन द फॉर्मूला यूज इन द फॉर्मूला वी यूज डी स्क्वेयर नॉट डी, तो डी स्क्वेयर कर लेंगे 16, 4, 0, 4 और 16। तो यहाँ पर ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का 4 माइनस के 4 से गुणा होगा तो 16 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 2 से गुणा होगा 4 हो गया एग्जैक्ट प्लस का, तो 20 और 20, 40, ये हो गया सिग्मा डी स्क्वायर। ठीक है, अब एन का मतलब आप जान गए, 1, 2, 3, 4, 5 एन है, फॉर्मूला लिख देंगे अब हम और कैलकुलेट कर लेंगे रैंक कोरिलेशन फ्रॉम, तो ये है सहसंबंध गुणांक का साइन और ये रैंक से निकला, इसलिए इसका यहाँ 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन, वेरी सिंपल, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर आया आपका 40, तो 40 एन क्यूब 1, 2, 3, 4, 5, 5 का क्यूब - 5 इक्वल्स टू 1 - 240, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 × 5 × 5 कितना होगा, 5 × 5 × 5 5 25 और 5 125 में से 5 गए 120, वेरी सिंपल, 1 - 240 में 120 से डिवाइड कर दीजिए, 2 बार कट गया 2 इक्वल्स टू -1, -1 का मतलब आ गया, ये आंसर आ गया आपका -1। इट मींस क्या हुआ, देयर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, दिस इज, अब ये जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया आपको कि ये परफेक्ट कोरिलेशन आना चाहिए इसमें, क्यों, क्योंकि देखिए इसका रैंक जो इसमें हाईएस्ट है वो यहाँ पर है, तो एक यहाँ पर जो रैंक थे वो 5, 4, 3, 2, 1 थे और यहाँ पर रैंक जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 है, जस्ट उल्टे हैं ना, उल्टा होने का मतलब यही है कि एक चीज जिस अनुपात में बढ़ रही है उसी अनुपात में यहाँ पर एक तरीके से गिर रही है रैंक्स, जिस अनुपात में बढ़ रही है। तो फिर मैंने आपको जब सब परफेक्ट कोरिलेशन के बारे में बताया था कि एक उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में दूसरा गिरता है, तो वहां पर निगेटिव का कोरिलेशन आएगा, वो परफेक्ट कोरिलेशन होगा, वहां आंसर होगा 1, तो 1 होगा, और चूंकि निगेटिव आया है माइनस में आया है इसका मतलब इन दोनों में निगेटिव रिलेशन है, एक चीज घट रही है और दूसरी चीज बढ़ रही है, ये मान लीजिए।
या एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, ये मान। तो ये है रैंक कोरिलेशन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये मैंने आपको करवाया, इसमें आपके बुक्स में जो हूँ थोड़ा देखिए। थैंक यू।